अस्सी का 17.5%। अब 80 का 17.5% निकालना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 17.5% को हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12.5 प्लस 5, तो ये 17.5 को हम 12.5 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और इधर ये 80 है। अब 12.5 के हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 1 बाई 8। 12.5 के फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने याद करी थी, तो ये 1 बाई 8 हो जाएगी, प्लस ये 80 × 5% होता है 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इससे कैंसिल, 10 प्लस 20 जो 80, ये आ जाएगा 14। तो एक तो ये तरीका है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर लें, और दूसरा ये है कि हम इस 80 को डायरेक्ट 70.5% डायरेक्ट कैलकुलेट करें, जैसे कि 80 × 17.5%। एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, इससे क्या कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड, जो फ्रैक्शन हमें याद है अगर उसमें डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको वैसे उसको अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि भाई 80 का डायरेक्ट 17.5 कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 17 प्लस 0.5, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो पहले 80 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई, तो 80 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 56 का 6 × 5, 8 × 8 = 13, और ये इधर डेसिमल लेंगे क्योंकि डिवाइड में 100 है, तो 1 0 ये 80 का, 1 0 के जैसे 1 0 उस बच्चे का जो यहाँ पर डेसिमल लगा, ये हो जाएगा 13.5। फिर है इस 80 को 0.5 से भी, 80 का 0.5% भी निकालना है, तो 80 का पहले हम 10% निकाल लेते हैं, तो 80 का 10% हो जाएगा 8, और 80 का 10% 8, और 80 का 1% 0.8, तो ये 0.5 निकालना, तो इसका और हाफ कर देंगे, 1% 0.8 है तो उसका आधा कितना होगा, तो इसका भी आधा कर देंगे, 0.4 हो जाएगा, तो ये इसमें 0.4 और ऐड कर देंगे, ये भी यही आएगा 13.6 प्लस 0.4, ये भी 14 है। तो आप दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 70 का 24.28%। 70 का 24.28% निकालना है, तो इस 28 को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 प्लस 14.28%, तो ये भी 24.28 ही है, और 24.28 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/7 होती है, और 10% की 1/10, तो इससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और 17 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 70 का 1/10 हो जाएगा 7 प्लस 70 का 1/7 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17। एक तो ये तरीका है जिससे हमने, और क्या कर सकते हैं इसमें, और तो अप्रोक्सीमेट, इससे 70 का अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, 70 का अप्रोक्सीमेट 25% निकाल सकते हैं, और जो वैल्यू है इसमें जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम जो होगा वो हमारा आंसर, जैसे कि 70 का 25% निकालना, इसका मतलब है 70 के 4 टुकड़े करना है और एक टुकड़ा रख लेना है, तो 70 के बराबर 4 हिस्से करने हैं, तो 17.5 हो जाएंगे, 32 × 70, हाँ तो ये अब इसकी वैल्यू आएगी 17.5, इससे थोड़ा सा जो हमारा आंसर है उससे थोड़ा सा कम, तो हमने देख चुके हैं कि हमारा आंसर 17 है जो कि इससे थोड़ा सा कम है। यहाँ पे हमने इसको अप्रोक्सीमेट 24.28 को 25 मान के कैलकुलेट किया, इसलिए हमारा आंसर 17.5 आ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू से देखेंगे तो हमारा आंसर 17 है जो कि देख चुके हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी पता कर सकते हैं।
और एग्जैक्ट वैल्यू तो आसान था, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 120 का 63.33%। अब 63 को कैसे देख सकते हैं हम, एक तो ऐसे देख सकते हैं इसको 30 प्लस 33.33%। एक तो ये तरीका है कि इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया। अब 120 का 30% निकाल लेते हैं, इसे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 36 प्लस, अब ये 33.33 होता है 1/3, तो ये 1/3 120 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 1/3, ये कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया 76। एक तो ये तरीका है कि इसको दो पार्ट में 30 और 33.33 में डिवाइड कर लिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, और जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 60 प्लस 3.33%, ये भी 63 ही है, तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 120 का 60%, ये तो हो जाएगा 1272। ये दो दो जीरो से 100 से 1% से कैंसिल हो गए, तो 1272 आ गया। और ये 30 ये क्या है 3.33, तो हमने अभी देखा कि 33.33% की वैल्यू है 1/3, तो ये डेसिमल यहाँ आ गया 3.33 में, इसका मतलब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/3 को भी 10 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/30, इसका मतलब है 3.33 की वैल्यू हो जाएगी 1/30 इंटू ये 120, तो ये कितना हो गया कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, तो ये हो गया 76 जो कि हमने ऊपर दिखा। चाहे इसको कैसे भी कैलकुलेट कर आना तो परसेंटेज में सेम ही वैल्यू है, बस हम जो हमारे लिए आसान हो वो ऐसे कर सकते हैं हम इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का 87.5%, 56 का 87.5% निकालना, तो 87 की ये 87.5 जो होता है ये होता है 7/8, इसकी वैल्यू होती है 87.5%, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 87.5, एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 87.5 वैल्यू। तो एक तो ये तरीका है डायरेक्ट इसको 56 × 7/8 निकाल लो, ये हो जाएगा 8/56, 7/49। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें, दूसरा हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50 प्लस 37.5, तो 56 का 50% निकाल लेंगे तो ये 28 हो जाएगा प्लस 37.5, ये 3/8 होता है जो कि वही 12.5 का मल्टीपल में ही है, आना तो वही है आंसर, ये हो जाएगा 8/56, 28 प्लस 21 49, जो कि पहले निकाल चुके। चलिए नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं, एक तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 180 का 76, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 66.66%, तो 180 का 10% होता है 18, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, परसेंटेज के दो जीरो से ये है और ये दोनों जीरो कैंसिल होगी और ये 180 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 66.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 66.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33.33 की होती है 1/3, तो ये इसका डबल है तो इसकी वैल्यू होगी 2/3 इंटू 180, इसे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 60 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 18 प्लस 120, कितना हो गया ये 138। एक तो ये तरीका इसको ऐसे कैलकुलेट किया हमने, और क्या कर सकते हैं इसमें, और ये कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 16.66 प्लस 60%, इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 16.66 होती है 1/6,
वो ये हो जाएगा 80 का 1/6 प्लस ये 180 का 60% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये 30 प्लस ये हो जाएगा 18 छंग कितना होता है, अगर ये 20 होता तो 20 छंग 120, लेकिन ये 2 कम है इसका मतलब 12 कम हो जाएंगे, क्योंकि 12 कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 108 हो जाएगा 138। वैसे भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे और क्या कर सकते 70 प्लस 6.66 ये हो जाएगा 18 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना सीधा, तो 18 5 90 और 90 प्लस 36 कितना हो गया 126। फिर सर ये 6.66% की फ्रैक्शन मिली हमें देखने, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं 66.66% की फ्रैक्शन मिली होती है 2/3, तो ये डेसिमल यहाँ इसका मतलब इसमें 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 2/30 ये हो जाएगा 180 का 2/30, तो ये कैंसिल तो ये होगा 36 6 2 12, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 12 ये हो जाएगा 130, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 750 का 30% निकालना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है 75 30% डिवाइड बाय 100 जीरो से जीरो जीरो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये होगा 75 75 150 75 225। एक तो ये, और अगर ये तो वैसे इजी है, वरना अगर टफ क्वेश्चन होता तो इसको डायरेक्ट 30 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, फिर ये 300 ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी सेम है। यहाँ 42 का 80% होगा, यहाँ 80% 42 का 80% निकल, इसको हम डायरेक्टली 80% का मतलब होता है 4/5, 42 को 4 से कर देता, अगर ये 4 ये हो जाएगा 4 4 4 168 डिवाइड बाय 5। अब हम रिवर्स क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ये पूछ रहा है कि 72 का 54 कितना प्रतिशत है। पहले तो हम डायरेक्ट परसेंटेज, जैसे कोई नंबर था उसका परसेंटेज निकाल देते, लेकिन इस बार ये पता करना ये इसका कितना परसेंट है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए कि कोई संख्या किसका कितना परसेंट है, तो जो नंबर है पहला उसको तो नीचे लिख देंगे, और उसके ऊपर जो दूसरा नंबर है जिसका हमें परसेंट पता करना है, जैसे 72 का 54 कितना परसेंट है, तो 72 नीचे लिखेंगे और 54 ऊपर लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। अब इससे कैंसिल कर दो तो ये 54 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 9, और इसको लिख सकते हैं 8 × 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 4, 4 से 1 कैंसिल हो रहा है 25 बार, तो ये होगा 25 × 3 हो जाएगा 75। इसका मतलब ये है कि 72 का 54 वो है ना वो 75%। इसका मतलब ये, अगर ये क्वेश्चन पहले की जैसे लिखा हुआ था तो इसमें से लिखता 72 का 75% पता था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगेन 54 आएगी, तो जो कि हमने निकाल देख चुके हैं यहाँ से 72 इसका कितना परसेंट है, तो 75 तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं हो जाएगा 72, 75% की वैल्यू होती है 3/4, 4 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 और 32 हो जाएगा, 4 8 32 18 3 54 अगेन वही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 125 का 50%, मतलब इसका कुल मिला के इसका आधा करना है, 50% का वैल्यू 50% जब भी पूछा जाता है इसका मतलब है जो नंबर है उसका आधा आधा हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 125 1/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 50 और
62.5। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर। जब भी आपको ऐसे यूनिट में, जैसे इसमें मीटर यूनिट दे रखी है और इधर सेंटीमीटर दे, तो हमेशा दोनों को एक ही यूनिट में कर लो कन्वर्ट। या तो इसको से इसको मीटर बना लो, 5 को मीटर बना लो, या 5 मीटर को सेंटीमीटर बना लो। लेकिन इसमें आसान हमेशा क्या होगा, बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना। इसका मतलब है 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो एक मीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 5 मीटर की पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो अभी ये बहुत आसान हो गया, 500 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, तो इस पंडित मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिडेंस ले जाएगा, तो हो जाएगा इसका कितना परसेंट है, तो ये इसका 1% है, जो कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। जैसे कि 500 मीटर का 1% निकालते हैं, तो ये 5 ही आएगा, जो कि यहाँ पे इसने पूछा है 5 मीटर का कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, तो ये 1% है, तो 1% जो कि 5 आ ही रहा है यहाँ पर, तो ये सेम हो गया। और इसमें भी हम देखते हैं 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम। तो अगेन ये किलोग्राम में दे रखा है और ये 15 ग्राम, ये ग्राम में वैल्यू है, तो हम इसको बड़ी वाली वैल्यू को छोटी यूनिट में बदलेंगे। तो 1 kg 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये 2 kg की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 2000 ग्राम हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है सिंपली 2000 का 15 ग्राम कितना प्रतिशत, तो इसे कैंसिल किया जाएगा 3/4। 0.75% है, इसका मतलब है 2 किलोग्राम का 15 ग्राम कितना है 0.75%। और आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 2 kg को हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम, और इसका 0.75% निकाल 0.75 के लिए, फिर ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और पीछे तो जो 150 होता है और नीचे 1 जीरो है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो के 15 आ जाएंगे, 15 ग्राम आ रहा है। तो 2000 2 kg का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है, 0.75%।